देर आर टू टाइप्स ऑफ रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक होता है हमारा स्मूथ एंड सेकंड होता है हमारा रफ. स्मूथ एंड रफ. तो मुझे ये बताओ कि रफ एंड स्मूथ में ए रफ, उसको रफ क्यों कहा जाता है? जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको रफ क्यों कहा जाता है? आइडिया है आपको? Because ribosomes are present on rough endoplasmic reticulum. Yes, nice. क्यों कहा जाता है? जो हमारे जो राइबोसोम होते हैं, जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? देखो मैंने यहाँ पर निकाला, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है किस कोई कोई जगह हमारे राइबोसोम क्या होते हैं, अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. इसीलिए जो उसका सरफेस होता है वो कैसे बन जाता है, रब बन जाता है. कैसे बन जाता है, रब बन जाता है. और बाकी का जो सीक्वेंस या स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, स्मूथ होता है. इसलिए टू टाइप के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंड रब, स्मूथ एंड रब. अब ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा जो रब एंड स्मूथ हो गए? क्या करते होंगे ये रब वाले? किसी का आइडिया है? कोई भी चीज को बाहर नहीं जाने देते होंगे. नहीं, और आइडिया किसी के पास है? यस, प्रोड्यूस प्रोटीन. क्या करते हैं एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं ना रफ वाले, वो क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं. तब जब ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्होंने जितने भी प्रोटीन अपने सेल में बनाया है वो किसकी तरफ ट्रांसफर करते हैं फिर? पूरे सेल को नहीं, उतनी जल्दी तो नहीं करते. राइबोसोम्स को नहीं, राइबोसोम जो हमारे जो राइबोसोम है ना वही क्या करते हैं, प्रोटीन मेक करते, प्रोड्यूस करते. जो उन्होंने अभी अपने बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया है उस सेल के कौन से पार्ट में वो लेके जाएंगे फिर? सबसे पहले कौन से ऑर्गन को देंगे वो प्रोटीन? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. नो, देखो इसका स्ट्रक्चर, गॉल्जी बॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है आपको थोड़ा थोड़ा सेमी दिख रहा है ना? हाँ. दिख रहा ना? देखो yes. क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वो प्रोटीन बनाने के बाद जो भी उन्होंने प्रोटीन बनाया वो किसके तरफ ढक लेंगे, वो गॉल्जी बॉडीज की तरफ. किसकी तरफ लेके जाएंगे वो? गॉल्जी बॉडीज की तरफ. और वो गॉल्जी बॉडीज क्या करता है, उसको अच्छे से समेट लेता है. जैसे हमारे घर में बर्तन होते हैं, हम खाना अगर खाना बनाते हैं उसको अगर हमारे मम्मी ने कहा कि पूरा खाना निकाल के रख दो क्योंकि मुझे बर्तन साफ करने हैं, तो हम अच्छे से उसको दूसरे इसमें स्टोर करके रख देते. वही चीज अभी उन्होंने बनाए हैं प्रोटीन, तो वे क्या करेंगे, स्टोर करने के लिए किसके पास लेके जाएंगे? गॉल्जी बॉडीज के पास लेके जाएंगे. गॉल्जी बॉडीज क्या करते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं. कोई बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, ऐसे बढ़िया सिक्वेंस वाइज उसको रखते हैं. फिर उसका पैकेजिंग करते हैं. किस लिए करते हैं? यू नो, पता है आपको, हम होम डिलीवरी देते हैं किसी के. अगर हमारे यहाँ पर कोई होटल है, तो हम होम डिलीवरी भी देते हैं उसकी. सो ये भी क्या करते हैं, होम डिलीवरी देने का काम करते हैं. कौन? गॉल्जी बॉडीज. क्या करते हैं, अच्छे से उसको पैकिंग कर देते हैं और होम डिलीवरी देने का काम करता है. अब एक कहाँ पर होम डिलीवरी देंगे, कहाँ पर होम डिलीवरी देंगे? पावर हाउस में, माइटोकॉन्ड्रिया को हाउस में. नो, हाँ उसका तो एक यही है. देखो मैं पूरे सेल की अगर बात, ये जो हमारा सेल है ना, ये जो हमारा सेल है, जो इन्होंने फूड को पैकेजिंग किया, जो भी प्रोटीन को इन्होंने पैकेजिंग किया, अगर इस सेल में कहीं तो डिफिकल्टीज है, इस सेल में अगर कोई
डिफिकल्टीज है, उसको कुछ चीजों की जरूरत होती है। अगर मान लो इस पोर्शन को भूख लगी है, इस पोर्शन को क्या लगी है, भूख लगी है, सो ये जो गोल्जी बॉडीज होते हैं वो क्या करते हैं, इस कोने तक लेके जाने का काम करते हैं, उसको फूड सप्लाई करके उस बॉडी का डिफेक्ट्स को हटाते, उस साइड के सेल के बॉडी को क्या क्या करते हैं, वो डिफेक्ट्स को हटाते हैं। तो ये कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, जहां सेल को उस फूड की जरूरत होती है, जहां सेल में उस फूड की जरूरत होती है वहां पर वो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। सो उसके बाद जो हमारे राइबोसोम भी देख ले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख लिया, गोल्जी बॉडीज भी देख लिया, अब रह गए हमारे लाइसोसोम और एक आपको यहाँ पर टर्म दिया है वैक्यूल, यू नो वैक्यूल, वैक्यूल पता है आपको, हाँ यस राधिका, फंक्शन ऑफ वैक्यूल, हाँ यस यस, वेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमिनेट, राइट। देखो पहले तो बात करते हैं लाइसोसोम, जो हमारे लाइसोसोम होते हैं ना वही ये भी क्या होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते, क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका वर्क क्या होता है लाइसोसोम का, क्या होता है, इनसाइड बैग ऑफ सेल, यस डियर यश, आवाज नहीं आ रही, यस 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 टेल मी, सुसाइड बैग ऑफ सेल, हाँ इसको क्या बोलते हैं लाइसोसोम को, एक वर्ड दिया है सुसाइड बैग, अगर सेल की अगर डेथ हो जाती है, यू नो आपको पता है अगर स्किन का सेल है तो स्किन में क्या होते रहता है, अगर हमको कोई भी जगह अगर चोट लगती है तो वहां से हमारे सेल क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, जो सेल बने थे वो रप्चर हो जाएंगे, तो उस सेल को रप्चर हो जाएंगे यानी कि वो मर जाएंगे, लेकिन उस जगह न्यू सेल का भी क्या होता है, सिंथेसिस होता है, न्यू सेल बनते रहते हैं, क्योंकि हमारे हमको मालूम है हमारे जो बॉडी में जो सेल का डिवीजन टू टाइप का होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस, जो वो कंटिन्यूसली सेल बनते रहते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, उस पोर्शन को क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, यानी कि देखो जो अगर जो सेल डेड हुआ है उसको खा जाने का काम एक तो एक उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं ना उसको, यू नो पता है आपको फैगोसाइटोसिस, नो, सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस भी होता है, यानी कि क्या होता है उसका मतलब, अगर सेल के अंदर का कोई अगर पार्ट अगर खराब हो जाता है, अगर सेल भी खराब हो जाता है तो खुद वो लाइसोसोम उसको क्या कर लेता है, एंगल्फ करके उसको क्या करता है, डिजनरेट कर देता है, यानी कि उसको मार डालता है पूरा, जो है ना उसको मिक्सर ग्राइंडर कर देता है, ग्राइंड कर लेता है, सो उसको उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। अगर आपके बॉडी में अगर उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन मटेरियल आता है, यानी कि फॉरेन मटेरियल हम किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी में आने वाला आउटसाइड का पार्ट, जो हमारे बॉडी का नहीं हो लेकिन आउटसाइड से हमारे बॉडी के अंदर अगर आ जाता है, अगर वायरस आ जाता है हमारा बॉडी में, तो उसको एंगल करने का, उसको अगर वो सेल में घुस जाता है, उसको कौन ये करता है, फाइट बैक कौन करता है, कर देता है, लाइसोसोम भी कर देते, उसको एक प्रोसेस का नाम है, उसको साइटोफैगोसिस की वैसे कुछ तो बोलते हैं उसको, पता है क्या आपको, साइटोकाइनेसिस, नहीं साइटोकाइनेसिस नहीं होता, साइटोकाइनेसिस हाँ बताऊंगा वो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, तो ऐसा एक कुछ तो वर्ड है साइटोफैगी की ऐसा कुछ तो वर्ड है, अभी उसको आपका लेना देना, मैं आपने सब ऐसे था, जो ये क्या होता है लाइसोसोम का जो क्या काम होता है, जो भी हमारे इसके सेल के अंदर कुछ भी अगर डिफिकल्टीज आती है उसको क्या करता है, वो एंगल करके उसको खा लेता है और पूरा ग्राइंडर करके उस पर क्या फिर क्या होगा उस जगह नया सेल क्या होगा, सिंथेसिस होगा, तो ऐसा जो वर्क होता है वो किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। सो
जो हमारे अगर बात की जाए राइबोसोम की, अगर बात की जाए राइबोसोम की तो इसको बोलते हैं प्रोटीन मेकर, प्रोटीन मेकर जो हमारे राइबोसोम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन मेकर बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और क्या कौन था हमारा हाँ गॉल्जी बॉडीज है ना, गॉल्जी बॉडीज, इसको आपको पता है, आपका एक इसको भी एक वर्ड दिया है यू नो, आपको पता है क्या पता है आपको इसका दूसरा वर्ड क्या है? तो इसको जो हमारा गॉल्जी बॉडीज होते हैं होता है ना उसको बोलते हैं सेल का पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल का पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अगर पोस्ट ऑफिस हमको पता है कोई भी अगर हमको लेटर दे, अगर मान लो मेरे फ्रेंड ने मुझे लेटर दिया तो सबसे पहले कहा जाएगा पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वो क्या करेगा रिसीव करेगा वहां से, और वो देखेगा कि वो कहाँ से आया है उस ब्रांच को, उसको सप्लाई करना है, उस पर्टिकुलर पर्सन को सप्लाई करना है, यानी कि क्या करेगा जो भी प्रोटीन बनेगा वो अपने पास रखेगा और जिस जगह उसको सप्लाई करना है उस जगह वो प्रोटीन क्या करेगा वो, या उसको उस फूड को क्या करेगा वो पार्सल करेगा, क्या करेगा पार्सल करेगा। सो इसका जो वर्क होता है इसीलिए उसको भी बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, सेल का पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। सर हाँ सर, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोड्यूस करता है प्रोटीन और राइजोसोम्स भी। कौन कौन? लाइसोसोम नहीं, राइजोसोम, राइजोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। हम्म, राइबोसोम ना, मैंने क्या कहा देखो, जो राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसीलिए तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, रब बन जाता है, बन जाता है रब। सो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो हमारे ये राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन करते, प्रोटीन सिंथेसिस करते, मैंने ऐसा बोला। ओके सर, अभी आया समझ में? कंफ्यूज हो गया था आप? हाँ, जो इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारे राइबोसोम होते हैं ना वो वहां पर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि क्या करेंगे वो दोनों भी मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, क्या करेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। सो अगर बात की जाए वैक्यूल्स की, कुछ कुछ इसमें जो एनिमल्स की अगर बात की जाए तो छोटा सा ही वैक्यूल होता है, छोटा सा वैक्यूल होता है, और जो बड़ा वैक्यूल होता है वो किसके प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इस वैक्यूल का क्या काम होता है, ये क्या करता है, यू नो हमको हमारे घर में अगर देखो हमारा घर है, हमारे घर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा डस्ट मटेरियल या वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम क्या करते हैं, अगर हम झाड़ू मारते हैं, यू नो झाड़ू करते हैं हम, तो पूरा जो हमारा डस्ट निकल जाता है उसको हम क्या करते हैं, डस्टबिन में रख देते, डस्टबिन में रख देते हैं। सो जो ये वैक्यूल होता है ना वही जस्ट लाइक अ डस्टबिन, डस्टबिन की तरह फंक्शन करता है, क्या करता है डस्टबिन की तरह फंक्शन करता है, अगर सेल में कुछ भी अगर वेस्ट मटेरियल हो तो उस वैक्यूल में जाके क्या करता है वो डस्टबिन यानी कि रख देता है उसको। समझ गए वैक्यूल का मीनिंग क्या होगा, क्या करेगा ये? यस डियर, क्या मिस राधिका? यस बोलिए बोलिए, शर्माओ मत बोलिए। अरे क्या बोले आप, आवाज कट गया था आपका। वेस्ट मटेरियल को रखेगा। हाँ, वेस्ट मटेरियल को रखेगा, ये होता है हमारा वैक्यूल, ये हमारा होता है वैक्यूल, जो कि हमारा एनिमल का सेल, एनिमल का सेल की हम यहाँ पर पूरी स्टडी कर ली, यहाँ पर स्टडी कर ली। अगर वही बात की जाए अगर प्लांट सेल की तो पूरा ये नहीं लिखेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा ही लिख लेंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ही डिफरेंट है बाकी कुछ नहीं। सर यस डियर, सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो टाइप के होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं क्या दोनों भी? यस यस, क्या एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं क्या?
एनिमल सेल में दोनों भी टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं क्या? हाँ यस यस, अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही है, सिर्फ राइबोसोम जाके कुछ पार्ट पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सो इसीलिए उसका एक पोर्शन रफ हो जाता है और एक पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। समझ में आ गया अभी? चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा सेपरेट कुछ नहीं है, एक ही है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ राइबोसोम जाके क्या होते हैं उसके अटैच हो जाते हैं, सो इसलिए जो उस पे अटैच होंगे, यानी कि हमको पता है ना कोई अगर चीज इसमें अगर अटैच हो जाती है तो अगर इस मान लो अगर एक सीधा रास्ता है और एक ऐसा पथरीला रास्ता है, मैंने मुझे यहाँ पर गाड़ी चलानी है तो मैं सीधा सीधा चला जाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझ पे, एक रोड कैसा होगा फिर स्मूथ होगा। और अगर मुझे यहाँ पर गाड़ी चलानी है, यहाँ तक जाना है मुझे ऐसा 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 कुछ, तो मुझे डिफिकल्टी आएगी ना, यहाँ पर आएगी ना, से पोर्शन कैसा होगा, रफ होगा। इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, स्मूथ होते हैं और रफ होते। चलो अब चलते हैं प्लांट सेल की तरफ। प्लांट सेल, आपको पता है प्लांट सेल कौन से शेप का होता है? पता है क्या रे? हेक्सागोनल, कौन सा शेप का होता है? हेक्सागोनल शेप का होता है। वैसे तो सेल सेल की अगर बात की जाए तो उसमें साइज ही नहीं है, वेरियस इन साइज। अगर हम मान लेते हैं क्योंकि हमारे टेक्सबुक में या कोई भी अगर चीज में अगर बात स्टडी मटेरियल की अगर बात की जाए तो वहां पर आपको हेक्सागोन ही दिखता है जो प्लांट मटेरियल। सो हमने भी ऐसे ही निकाला, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, देखो ये जो आउटर कवरिंग होता है ना प्लांट सेल का, किसके डायग्राम प्लांट सेल, जो आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल का, इसको आप क्या बोलते हैं बोलो? सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ प्लांट सेल ही ऐसा है जिसपे क्या है, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसके अंदर वही सब क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा पूरा, एक न्यूक्लियस होगा। लेकिन इसमें एक क्या होता है, जहां पर हमने देखा था यहाँ पर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो छोटे अमाउंट में किसमें होता है, एनिमल सेल में होता है, और बड़े लार्ज अमाउंट में किसमें होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएंगे, सभी चीजें गॉल्जी बॉडीज आ जाएंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई हमारी गॉल्जी बॉडी, ऐसे इसमें भी क्या होते हैं, लेकिन इसमें और एक मेंबर इसमें ऐड हो जाता है, वो कौन होता है हमारा, बोलो? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इस क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट क्या करते हैं फिर? फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। फूड प्रोड्यूस करते हैं। हाँ? प्रोड्यूस फूड। जो हमारे क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन इन कलर। इसी वजह से जो पूरी प्लांट की बॉडी अगर लीफ की अगर बात की जाए, फॉर्मेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? लीफ में ही होता है। कहाँ पे होता है? लीफ में होता है। जो कौन से कलर का होता है, जो पिगमेंट होता है कौन से कलर का होता है? ग्रीन इन कलर। इस ग्रीन कलर के कारण इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? बाय मेक अ ओन फूड। क्या बोलेंगे उसको? ओन फूड।
खुद का फूड खुद ही बनाते, खुद का फूड खुद ही बनाते हैं, क्योंकि हम उसको नहीं, क्योंकि हम उसको नहीं बोलते कि ले बेटा चावल खा, ले बेटा रोटी खा, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि वो क्या करेंगे, खुद का फूड खुद ही बनाएंगे, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। जो खुद का फूड खुद बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अगर प्लांट की अगर बात की जाए, उनको फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो मुझे बताओ इनको कौन सी सामग्री चाहिए होगी, सनलाइट, वाटर, सनलाइट, सनलाइट, यस, H2O एंड H2O and CO2। तो मुझे बता, जब इनका मेकिंग फूड, फूड बन रहा होता है, तो उनमें से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, O2 निकलता है, ऑक्सीजन, क्या निकलता है, ऑक्सीजन। और मुझे ये बताओ, इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ यस, क्योंकि ह्यूमन और प्लांट का अलग अलग है, क्योंकि ये क्या करेगा, हम जब क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपने नाक से क्या निकालते हैं, अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, तो ये क्या करते हैं, बाहर CO2 निकालते हैं और अंदर क्या लेते हैं, अंदर क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन, क्या निकाल, यस ना, यही ना, हाँ, yes. चलो, सो ये हमारे थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सभी को समझ गए स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यस सर, यस सर, ओके। मुझे आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करना था, लेकिन आज ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, नहीं हो पाएगा, इसके बारे में अगर कुछ कहना है तो सर, लाइसोसोम्स कहाँ पे, लाइसोसोम, हाँ, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, जो हमने एनिमल वाला सेल निकाला था ना, वहां पर निकाला था मैंने, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकाला, देखो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर निकाला था, याद है आपको, जब एनिमल सेल की, मैंने यहाँ पर पूरा पूरा लेबल नहीं किया इसको, पूरे ऑर्गन नहीं निकाले यहाँ पर, ओके, चलो, yes, एक क्या हो गया था, कल हमने जब पढ़ा था ना, वहां पर आपका एक पॉइंट मिस हो गया था, तो उसको थोड़ा कवर कर लेते हैं, जो कि थी थ्योरी ऑफ सेल, थ्योरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल, ए सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी में डायरेक्ट डायरेक्ट मेंशन किया गया है, ए सेल थ्योरी क्या कहते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इट मेड अप ऑफ सेल, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मेड अप हुए होते हैं, बोलो ना, सेल से, सेल्स, सेल, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी वो छोटे हो, बड़े हो, या बहुत बड़े हो, या मिडल हो, जो भी हमको दिखे भी या ना दिखे भी, यानी कि विजिबल हो या नेकेड भी हो, वैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, थ्योरी क्या कहती है, वो सभी किस चीज से बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते, सेल से बने हुए होते हैं। कल अच्छे से हमने समझ लिया था कि वो सेल, सेल से क्या बनेगा, हमारा टिश्यू बनेगा, जो क्या करेगा, एक क्लस्टर फॉर्म करेगा, क्या करेगा, क्लस्टर का फॉर्मेशन करेगा, सो उस क्लस्टर के फॉर्मेशन से हमारा नेक्स्ट होगा, उससे क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन बनेगा, क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। अगर मान लो एक वर्ड है, देखो मैं यहां पर निकल रहा हूं, एक मैंने यहां पर वर्ड लिखा, सो मुझे बस